फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द सिटी ऑफ फ्रीडम गोवा। और आज हम रीवा बीच रिजॉर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसका एरियल व्यू कैसा दिखता है और इसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है। जस्ट बाहर की तरफ छोटी सी बैक वाटर रिवर है और बीच पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं और जस्ट सामने ये है इसका बीच। और सबसे खास बात ये है इस रिजॉर्ट की, ये जो रिवर आती है ये बीच और रिजॉर्ट के बीच में, इसको बहुत ही बेहतरीन एम्बियंस देती है। और पैरेलली मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें इतने सारे कैटेगरी के रूम्स हैं और ये रिजॉर्ट इतना बड़ा है कि इसको कवर करने के लिए इन्होंने तीन स्विमिंग पूल दिए हैं। दो इतने बड़े नहीं हैं स्विमिंग पूल, लेकिन तीन तीन स्विमिंग पूल दिए गए हैं। और अब चलते हैं मेन इसके एंट्रेंस पे। तो इसका मेन एंट्रेंस है और जब हम वहाँ पहुँचे तो ये होली का टाइम था और एम्बियंस तो बहुत ही बेहतरीन थी उस समय। ये है रिसेप्शन और इसके बाहर जो एरिया है वो कुछ ऐसा दिखता है कि ये एक बाहर कैफेटेरिया है जहाँ आप कुछ भी परचेज करके खा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। मेन रेस्टोरेंट है वो अलग है और उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। और वेदर की अगर बात करूं तो ड्यूरिंग डे दिस टाइम इट्स लिटिल हॉट, दो नाइट्स रिमेन कूल। और ये देखिए होली की तैयारी इन्होंने करी हुई है, यहाँ पर डीजे वीजे एकदम सेटिंग के लिए पूरा माहौल तैयार किया गया है। और इसी के जस्ट बगल में इनका ये जो पार्क है, इसके बगल में इनका ये कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट, जिसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर इनका खुद का एक स्पा भी है जिसकी एम्बियंस भाई वाह क्या कहने। और ये देखिए मैं बात कर रहा था, ये जो एक और स्विमिंग पूल है तो ये इधर के जो कैटेगरी के रूम है इस पोर्शन के, उनके लिए बनाया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ा सा प्ले एरिया भी दिया है। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा है, मुझे तो लगता है लोग काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पर आते होंगे क्योंकि इतना बड़ा इनका देखिए ये पूरा इनका जिम है। और ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में भी थे। और जब मैंने ये देखा इनका ये योगा रूम और बॉक्सिंग क्लब, तो मैंने श्योर मैं मतलब आई वाज सरप्राइज्ड दैट पीपल मस्ट बी कमिंग हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। तो चलिए ये एक और पोर्शन है इनका जहां पर आप बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एमिनिटीज। और ये जो 1000-1010 जो रूम्स हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा कंजेस्टेड टाइप के हैं। अंदर तो इनका जो एम्बियंस है वो अच्छा है, क्लीनिनेस पूरी तरीके से मेंटेन थी, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ से मतलब बीच का जो व्यू है वो आपको दिखता नहीं है। और एक मुझे रूम मिला जो कि स्वीट रूम था, तो मैंने कहा कि दो, वो पूरा मेस्ड अप था क्योंकि चेकआउट के बाद वो क्लीन नहीं हो पाया था, लेकिन मैंने कहा कि आपको दिखाने के लिए एटलीस्ट शूट कर लेता हूँ कि क्या क्या अंदर के आइटम्स और क्या ये लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए ये स्वीट रूम का पहला पोर्शन जिसमें सोफा सेट वगैरह है, डाइनिंग टेबल है, तो अभी लोग खा पी के बस चेकआउट किया है। और इसके बाद इनका ये अंदर की तरफ है रूम, ये है बाथरूम जो कि इट्स गुड, किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है। और ये है रूम, तो अगर ये क्लीन होता तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस लगता है यहाँ का। और ये सामने बालकनी दी गई है जिससे कि ये व्यू सामने दिखता है आपको रिवर का।
जो कि बहुत ही अमेजिंग है। दो यहाँ से ये जो कोकोनट ट्रीज हैं उसने बीच का व्यू जो है वो ब्लॉक किया है, लेकिन ये एम्बियंस भी कोई और ये व्यू भी कोई बुरा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। और ये बाहर से देखिए जो मैं आपको अंदर दिखा रहा था, बाहर से ये कुछ ऐसा दिखता है। और एक रूम है नीचे की तरफ, उसको मैं आपको अंदर से दिखा देता हूं। ये थोड़ा सा स्पेस रूम के बाहर, और ये देखिए ये है अंदर से इस रूम का एम्बियंस। तो इस रूम में मुझे एक चीज स्ट्रेंज लगी कि काफी पुराना वुडन फर्नीचर था, तो दे शुड हैव गॉट इट रिप्लेस्ड। आई डोंट नो व्हाई दे डिडंट, बट इफ दे वुड हैव गॉट इट रिप्लेस्ड इट वुड हैव गिवन मोर गुड एम्बियंस टू दिस रूम। सो दिस इज बाथरूम व्हिच इज आल्सो फाइन, दे हैव बाथटब, हेयरड्रेसर एंड ऑल थिंग्स। So this is the room from inside, one of the rooms I would say. So a mattress is also soft, so I was just trying to figure out that whether it is hard or soft, so it was soft. So all in all main kahunga cleanliness puri tarike se maintain hai. ये है इनका मेन स्विमिंग पूल जिसकी मैं बात कर रहा था कि तीन स्विमिंग पूल हैं, तो ये है इनका मेन स्विमिंग पूल। और अब हम चलते हैं दूसरे एरिया की तरफ जहाँ पर इनके और रूम्स अवेलेबल हैं, तो लेट्स चेक देम आउट। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे इनके कुछ और रूम्स हैं, और यहाँ पर एक और स्विमिंग पूल है, छोटा ही सही लेकिन स्विमिंग पूल यहाँ भी है। और चलिए अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इन रूम की जो एम्बियंस है, क्लीनिनेस है अंदर से। तो ये एक रूम है जिसके बाहर थोड़ा सा एरिया है, चेयर्स हैं, और अंदर से ये कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लीनिनेस मैं यहाँ कहूँगा पूरी तरीके से मेंटेन है, फर्नीचर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं इस रूम के। और बाथरूम की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है जो कि ये भी पूरी तरीके से क्लीन है और किसी भी तरह की कोई फाउल स्मेल नहीं है। तो अगर क्लीनिनेस वाइज मैं बोलूँ तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा रूम है। और इस रूम को ये पार्शियल सी व्यू रूम कहते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत सी का जो व्यू है वो दिखता है रिवर के साथ साथ। चलिए अब चलते हैं इनके वुडन कॉटेजेस की तरफ जो कि सी फेसिंग है, और इन्होंने इसके सामने थोड़ा लॉन दिया हुआ है, सोफाज हैं। सो अंदर से इनको देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं इसके जस्ट फ्रंट में रिवर का व्यू भी आता है, बीच का व्यू भी आता है। तो अगर सारे व्यू आपको देखने हैं तो दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग रूम ऑफ दिस रिजॉर्ट। एक ये देखिए एक स्ट्रक्चर है जहाँ मैट्रेस वगैरह पड़े हैं, और आप यहाँ पर शाम को बैठिए और ठंडी ठंडी हवा अगर चलेगी तो ओहो क्या मज़ा आने वाला है। तो समटाइम्स यहाँ पर स्मेल आती है क्योंकि एक बैक वाटर है, ज़्यादा देर के लिए नहीं आती, लेकिन हाँ समटाइम्स यू कैन फील दैट स्मेल। तो थोड़ा सा देखिए ये बाहर की तरफ स्पेस चेयर वगैरह हैं, फिर अंदर की तरफ एक और स्पेस है, सोफा सेट, एंड देन फाइनली दिस रूम मेन पोर्शन स्टार्ट्स। बड़ा पोर्शन यहाँ दिया है, दिस इज स्मॉल फ्रिज टू कीप योर स्टफ कूल। सो आई वुड से दैट दिस इज वुडन डोमिनेटिंग रूम, काफी वुडन का काम किया हुआ है यहाँ पर। और बाथरूम भी टोटली क्लीन है विद बाथ टब। अगर मैं नाइट व्यू की बात करूं तो वो भी बहुत ही अमेजिंग है, देन आई थॉट दैट व्हाई शुडंट आई कैप्चर इट, सो जस्ट फील दिस ब्यूटी। और होली की वजह से जो नाइट का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है
वो तो बहुत ही बेहतरीन हो गया है एंड एवरीबडी इज इंग्रोस्ड इन द फन। अगर आपको यहाँ से नाइट में बीच पे जाना है जस्ट टू स्ट्रोल एंड हैव फन, सो दिस ब्रिज विल टेक यू टू द बीच। और यहाँ से देखिए नाइट का थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको देता हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और बीच पे देखिए ये बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं छोटे, जहाँ पर आप मतलब यू कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और बहुत ही हैपनिंग लगता है नाइट में भी जो इन्वायरमेंट है। नाइट में जब आप ये कैंडल लाइट डिनर या कुछ भी खा रहे हो और ये वेव्स आपके पैरों को टच करेंगी तो फन वुड बी एट अनदर लेवल। चलिए अब चलते हैं इसके रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर बाहर एक छोटा सा बार अवेलेबल है और हेयर यू विल फाइंड बुफे ब्रेकफास्ट एंड बुफे डिनर। तो काफ़ी बड़ा है ये और काफ़ी सारे रूम्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए बनाया है इन्होंने। और काफ़ी सारी वराइटीज़ अवेलेबल थी ब्रेकफास्ट में इनकी, एंड फॉर मी मोस्ट ऑफ देम वर टेस्टी। हाउएवर ऑल इन ऑल इफ आई टॉक अबाउट देन फूड वॉज टेस्टी एंड दे हैव गिवन वराइटी ऑफ ऑप्शंस इन डिजर्ट एज वेल। This is the view of a resort from the bridge, which is peaceful and serene. तो ये था रीवा का रिव्यू। और जाने से पहले आप अपने रूम का सिलेक्शन अपनी चॉइस के हिसाब से करें, क्योंकि देखिए व्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया व्हाइल यू बुक योर रूम। और आप अपनी बुकिंग जेन्युइन साइट्स और एप्लीकेशन के थ्रू ही कराएं, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स चल रहे हैं आजकल। आप इनसे डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मे बी आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। और उसके लिए मैंने काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराई हुई हैं, लाइक डायरेक्ट फ़ोन नंबर्स, जेन्युइन साइट्स और रूम चार्जेस। तो जाने से पहले आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, विच विल मेक योर विजिट मोर इन्जॉयबल। Alright, now I'll take your leave. Thank you so much for watching and happy traveling.